बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के सिर पर फिर मंडरा रहा है ट्रबल और कंट्रोवर्सी। वो फिर एक बार निशाने पर है ब्लैकबक केस को लेकर। 17 सालों से उन पर चले आ रहे इस केस की सुनवाई आज हुई, जिसके लिए सलमान जोधपुर कोर्ट पहुँचे। कोर्टरूम में आकर सलमान सीधे कटघरे में खड़े हो गए, जहां उन्होंने लगभग 20 मिनट्स तक जज द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं कि कोर्टरूम में आखिर जज और सलमान के बीच क्या बातचीत हुई। आपका नाम, पिता का नाम व पेशा? सलमान सलीम खान, मुंबई में रहता हूं और मेरा पेशा एक्टिंग करना है। आपकी जाति क्या है? मेरी जाति इंडियन है। एक गवाह ने कहा है कि उनको हथियार सलीम खान ने दिए थे। रिपोर्ट में आपकी साइन भी है। हथियार की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इन पर हस्ताक्षर पुलिस ने दबाव में करवाए। सारे गवाह आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, आपको कुछ कहना है क्या? एक समाचार पत्र में इस बारे में बढ़ा चढ़ा कर समाचार प्रकाशित होने के बाद वन विभाग व मीडिया के दबाव में मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, मुझे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आप अपनी सफाई में कुछ साक्ष्य पेश करना चाहोगे? हाँ, मैं अपनी तरफ से साक्ष्य पेश करना चाहता हूँ। मामले की सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी, उस दिन साक्ष्य पेश करना। वैसे इस केस से जुड़ी अगली तारीख 4 अप्रैल 2016 तय की गई है, मगर आपको बता दें कि सलमान के खिलाफ अगर कोर्ट को सबूत मिल गया तो द कोर्ट कैन पनिश हिम फॉर 1 to 5 years। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे सलमान पर चल रहे इस ब्लैकबक केस के बारे में? क्या आपको लगता है वो बेगुनाह है कि नहीं? बताइए हमें आपके ओपिनियंस थ्रू योर कमेंट्स, और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।